राशन की कालाबाजारी से परेशान ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव हटवा राशन डीलर शबाना अंजुम पर गांव वालों का आरोप है कि वह सरकारी राशन में अपनी मनमानी करती है, इतना ही नहीं सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन में घाटोली करती है। और ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं ग्रामीणों ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं राशन डीलर ग्रामीणों को ये धमकी देती है कि अगर तुमने कहीं शिकायत की तो तुम्हारे राशन को कटवा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। अच्छा, हटवे की रहने वाली है। हाँ जी, बताइए कितना आपके परिवार में कितने यूनिट हैं? सात नाम है हमारे जी। कितना? 30 किलो दे मैं। अच्छा, 30 किलो दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, कितना है? 5 किलो काट रहे हैं। क्या पूरे गांव का ही ऐसा चल रहा है या तुम्हारे? हम और का ना पता, हमें अपना पता जी। इस बार क्या चीनी मिली है आपको? ना चीनी कभी ना मिली हमें। चावल मिलते हैं हमें। अच्छा, चीनी जब मिलक रही है हमारा लाल कार्ड था उसका, बीपीएल का जब मिलक रही हमारी बुढ़िया के नाम का था। अब ना देते हमें। अब तुम्हारा लाल कार्ड है या सफेद? कहाँ की रहने वाली हो? आपको बस चावल गेहूँ मिलते हैं। अच्छा, बार में चार यूनिट पे कितना राशन मिलता है? 19 किलो 17-18 किलो मिला। अच्छा, क्या चीनी मिली है? हाँ, ना चीनी नहीं मिली है। अच्छा, गल्ला तो बतेरा काट रहे हैं, 2-3 किलो काटे। अच्छा, तो हमसे 3 किलो 3 किलो काटा जा रहा है लोगों ने? इसकी सीखी नहीं, नहीं किसी से भी नहीं। अच्छा, तो क्या पूरे गाँव को ही कम गल्ला मिल गया? जी हाँ।